तो बरहक है, लेकिन जो कुत्ते की मौत मरे ना, वो सबसे बड़ा रंडुआ। मुनि बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो हम आपके सामने हाजिर हुए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, तो आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। इस एपिसोड में जानिए कि कैसे रंडुआ अपनी रोजी तलाश करता और कैसे उसे बेदर्दगी से कत्ल किया जाता है। सारा कुछ मैं ही बताऊं क्या? वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, वरना ये नहीं कहना कि वीडियो समझ नहीं आई। तो जाके देखो यार। उस्ताद इसमें नहीं तनख्वाह तो दो यार, क्यों हमारी रोजी पे मनुष्यत बंद कर आयो? तू दिमाग की लस्सी बना रहा जा यार, तेरा दिमाग क्या मिल्क शॉप तो लस्सी बनाओ। वैसे गफूर भाई के मिल्क शॉप की लस्सी बड़ी एंटीक है यार। एंटीक तो शकूर भाई के चमचम भी है, जाके चाट लेना। वैसे तेरे को बहुत शौक है चाटने का, जैसे तू मेरा चाट रहे। क्या बोल रहा है? अबे माइंड क्यों ले रहा है, दिमाग की बात करो यार। उस्ताद बहुत हो गया भाई, तनख्वाह दो यार। एक शर्त पे दूंगा अगर तुम नाचोगे तो। अरे वो खुसरे, रोजी कमाने आता हूँ, कुछ करने नहीं आता। इतना शौक है तो फैक्ट्री बंद करके नचला ढाबा खोल दे। अगर रंडुआ पैसे चाहिए तो नाचना पड़ेगा, वरना पतली गली पकड़ के निकल यहाँ से। अच्छा उस्ताद नाचता हूँ। हाँ तो दे दो। वाह रंडुआ, तूने तो मौज कर दी, तूने तो नूरा को भी छोड़ दिया। ये ले तेरा माल। शुक्रिया उस्ताद। आखिर किसने किया रंडुआ का कत्ल? क्या वो कत्ल के इरादे से आया था या मामला कुछ और? अब मेरी शादी कौन कराएगा? मेरा मतलब था, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी पे दिलबर सूप पे नाचेंगे। वे तेरा बाप क्या रंडुआ था क्या? कौन है वे? मदद सामने आ। आ गया वे मैं। अबे तेरी माँ की। साहब तबीयत कैसी, कैसे आना हुआ? केस के लिए आऊँ मैं। वैसे कत्ल तेरे बाप का हुआ है ना? हाँ साहब। मर्डर वैसे तेरे बाप का रात को हुआ था ना? हाँ साहब। निशाने इबरत तेरे बाप को जॉब से आते हुए किया था ना? हाँ साहब। इसका मतलब मर्डर भी तूने किया होगा? हाँ साहब। क्या हो गया साहब, क्या बोल रहे हो? हाँ कत्ल तूने किया अपने बाप का, क्योंकि तेरा बाप तेरी शादी नहीं करवा रहा था और तुझे डर था कि तू रंडुआ ही मरेगा। आ तू, चल तू। फिर तूने किया होगा कत्ल। बंद करिए,
बगैर हिम्मत की भी मुझे हाथ लगाने की। अच्छा जा रहा हूँ ना। चंदू यार बहुत दिन होगा यार केस को सॉल्व नहीं किया है। साला कातिल ने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा यार। अबे मेरी मान केस को बंदी कर दे तू। होश में जोश में खड़े खड़े टट्टी कर रहा है इधर। हमारे 16,000 रुपए की दिहाड़ी खाना फ्री में ठुक जाएगी तेरे वजह से। अबे तो अब हम क्या करें? बस दुआ कर ऊपर वाला हमारे कोई वसीला भेज दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ भाई? सर मुझे आपको रंडवा के केस के बारे में कुछ बताना है। कौन है बे तू? सर मैं रंडवा का पड़ोसी हूँ। जब हम इंक्वायरी के लिए आए थे तब तो तू नजर नहीं आया। वो तो मैं एक दिन पहले गांव चले गया था। अब जब मुझे उसके कत्ल का मालूम हुआ तो मैं आपके पास फौरन चला आया था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। किस तरह की इन्फॉर्मेशन? साहब वो कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि उसका सेठ जो है ना वो उससे पैसे वक्त पे नहीं दे रहा था, और जब वो वक्त पे पैसे मांगता तो उससे धमकियाँ देता था। वो तो ठीक है मगर उसके मालिक का नाम क्या है? मालिक मालिक तो है मगर उसका नाम क्या है? उसका नाम ही मालिक है साहब। उसका कोई एड्रेस है तेरे पास? हाँ उसका एड्रेस तो मेरे पास है। अबे उसका एड्रेस तेरे जेब से कैसे निकल गया? अबे सर मेरे को क्या पता कहाँ से निकल गया। बहुत शुक्रिया लड़के। चल चंदू जरा उसके घर टच करके आ जाए। चाय तो पिला दो। तू बाप की शादी में ना आ रिया, शुगर का तुझे नंगा नहीं किया वरना सारी चाय तेरे जेब से पी दे। हाँ यार हाँ साहब वो बहुत खतरनाक बंद है। अबे तेरे को क्या हम टपोरी नजर आ रहे हैं? तू बस अपनी फिक्र कर सही है। रंडवा की केस के बारे में पूछताछ करना है तुमसे। किससे पूछ के आयो तुम अंदर? चल निकल खुशरी के। अंदर आइयो यहाँ। चंदू यार इस केस को बंद ही करना चाहता यार। 16 दिन हो गए कुछ हाथ ही नहीं लगा यार। हाँ सर मैंने आपको पहले बोला था कि इस केस को बंद कर दो, अब फायदा ही नहीं। अभी तक काम करी और अच्छी खासी दिहाड़ी लगा दी उसको। कुछ बताना है? क्या बताना भाई? सर मेरा नाम बादशाह और मैं रंडवा की कंपनी में काम करता हूँ। अगर तुमको ये बताना ना अपने बाप को जाके बता, हमारा दिमाग भी। सर इसके कहने का मतलब कुछ और ही है। अगर तुम रंडवा की कंपनी में काम करते हो तो उसके बारे में कुछ जानते भी हो तो फिर क्या बताने हो तुम? सर जिस रात रंडवे का कत्ल हुआ था उस दिन मैंने बबलू को उसके पीछे जाते हुए देखा था, वो भी मास्क में। साले ते 16 दिन से इस केस के पीछे कुत्ते की तरह फाड़ रहा है, तू अब बता रहा है? अब बता रहा है? मैंने सीआईडी देखा तो उसमें ये सब कुछ आखिर में बताते। अबे ये सीआईडी नहीं क्राइम पेट्रोल की शूट हो रही है, सब कुछ पहले बताया जाता है। कहाँ मिलेगा वो? सर चर्चियों के अड्डे में चर्च का चिल्ला काट रहा होगा, वो वही मिलेगा। चल कुत्ते को ढूंढते हैं। चंदू ये साला इधर कहीं छुपा होगा, तू इधर की तरफ देख सही है, मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ सही है। जा जल्दी जा जल्दी जा। क्या वो मिला तेरे को? सर सब जगह देख लिया कहीं पे भी नहीं मिले वो। ये जगह रहेगा ये यहाँ पे देखते हूँ। चलो एक दो तीन चार पाँच पाँच छ सात आठ नौ दस। अच्छा बहुत नोटे छाप लिए तूने। अंदर तो कुछ है नहीं तेरे, हमारे को भी खत्म कर रहे हैं। चल बेटा हमारा आजा इधर दे। नोटे तो तू ना बहुत छाप लिए बेटा, जेल में चक्की तेरा बाप पीसेगा। तो देखा आपने
बबलू ने चंद पैसों के खातिर एक बेगुनाह का कत्ल किया। बुराई से किसी का भला नहीं होता, जितना सच को छुपाओगे आखिर सबके सामने आ ही जाता है। बबलू के इस जुर्म पर नेहा ने उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तहत फांसी की सजा सुनाई। तो फिर हम इंशाल्लाह फिर आएंगे आपके सामने एक और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दे, जेएसकेटी जय कुरंगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ठोक दो, 100 लाइक्स के टारगेट करते कर दो यार, और ये सब्सक्राइब का बटन 1K यार हमारा टारगेट है उसको कर दो यार, 1K होने वाले, जल्दी से कर दो, कुछ सब्सक्राइबर रहेगा। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अभी थोड़े से ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलते रहे जल्दी जल्दी। तो अभी मैं चलता हूँ, डेट मारने बच्ची इंतज़ार कर रही है।